गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग के लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने वाटर कलर लिया। वाटर कलर में कोई भी कलर ले सकते हैं, ओल्ड टूथब्रश, थर्ड सीजर, कंपास, और ये जो देख रहे हैं आटा चालने के लिए, आटा सूजी चालने के लिए जो चलनी आता है। नेक्स्ट नीम का पत्ता मैंने लिया है। नीम का पत्ता मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें डायमेंशन होता है और इसमें कोई इतना डायमेंशन नहीं मिलता है। और थर्ड कुछ स्टेम के लिए मैंने लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पेपर मैंने कुछ पेपर भी लिए हैं, जैसा कि वर्ड्स बनाने के लिए, इस तरह से वर्ड्स को बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए मैंने कंपास को यूज़ किया। बर्ड्स को कैसे ड्रॉ करना है, बर्ड्स को हम लोग को इस तरह से ड्रॉ करना है किसी ड्राइंग बुक में या स्क्रैप बुक पे, किसी भी पेज में जो पेज हार्ड हो थोड़ा, उस पेज के लिए। इसे ड्रॉ कर लिया और इसे हम लोग कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से किसी भी शेप में डिफरेंट टाइप का वर्ड्स हम लोग कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, और मैंने पेपर में कटिंग कर लिया है। अब हम लोग इसको देखते हैं प्रोसेस कि कैसे हम लोग इसे कंपोज कर पाते हैं, ये नीम के पत्ते को, और इसे हम लोग इसे कंपोज कैसे कर पा रहे हैं। इस तरह से पेपर को रख दिया मैंने, वर्ड्स को एक ऊपर से ओवरलैप कर दिया है, थर्ड वर्ड्स को भी। कंपोज कर दिया। अब इसे हम लोग ट्री ड्रॉ करने के लिए, इसमें ड्राइंग नहीं करना है, जो भी करना है हमें इसी मटेरियल से कंप्लीट करना है। मैंने ड्राइंग बुक के नीचे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसे स्प्रे पेंटिंग करने के लिए बैकग्राउंड में नीचे में मैंने न्यूज़पेपर यूज किया है। इससे क्या है कि आपका टेबल गंदा नहीं होगा। इसे अब हम लोग कंपोज करते हैं। और नीम के पत्ता जो है इसे हम लोग सीजर के माध्यम से इस तरह से दो भागों में डिवाइड करेंगे। आपने देखा, और इसे हम लोग अब एडजस्ट करते जाएंगे, कंपोज कर देंगे एक एक करके। इस तरह से हम लोग कंपोज करते जाएंगे। नेक्स्ट जो है नीचे भी हम लोग इस तरह से लिप्स को रखते जाएंगे, कंपोज कर देंगे। मैंने ये पूरा एडजस्ट कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये आटा सूजी चलने वाला जो चलनी है इसीलिए, और ये पेंट ब्रश लिए। इसमें डायरेक्ट अगर देंगे तो क्या होगा, कलर जो है ज़्यादा नीचे गिरेगा, और इसके माध्यम से अगर करेंगे तो इसे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत हल्का आ रहा है।
ब्रश में इस तरह से फिंगर को लगाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इसमें से इस सर्कल को जो है, सर्कल को हम लोग निकाल देंगे, बर्ड्स को यहीं पे छोड़ देंगे। तो बर्ड्स को छोड़ने के लिए क्या करेंगे, बर्ड्स को पहले आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है, सर्कल को धीरे से निकालेंगे। आपने देखा है कि मैंने सर्कल को निकाल दिया है, अब जो है बर्ड्स जहाँ पे है यहीं पे छोड़ देना है। तो बर्ड भी हम लोग को ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अब धीरे धीरे पहले पेपर को थोड़ा सा हम लोग ड्राई के लिए भी छोड़ सकते हैं। ड्राई करने से क्या होगा, हम लोग को हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक पार्ट्स को हम लोग हटाकर देखते हैं। एक एक लिप्स को उठाते जाएंगे। अरे नीचे जो लिप्स है इसे भी हम लोग साइड कर लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का पेंटिंग जो है कंप्लीट है और बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताने की कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।